नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसएन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी सीटों वाइज बात करने वाले हैं। बात करते हैं इससे पहले, आप एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, बात करते हैं इकिलेश और प्रियंका, क्या यूपी विधान चुनाव में झुका पाएगी बीजेपी का बुलंद झंडा। उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव 2022 में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौटेगी, एक ऐसी कामयाबी जो पिछले 30 सालों में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं दोहरा सकी। बता दें कि पिछले 3 दशकों में यहां किसी भी राजनीतिक पार्टी की लगातार 2 बार सरकार नहीं बनी है, लेकिन बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इस धारणा और परंपरा को बदलना चाहते हैं। कामयाबी दोहराने के पीछे की वजह है राज्य में बीजेपी का दबदबा और कमजोर विपक्ष। चुनावी नजदीक आते ही विपक्ष दल भी एक्शन में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां राज्य में अपनी तस्वीर बदल सकती हैं, या फिर विपक्ष ने राज्य में बीजेपी को चुनौती देने में देर कर दी। कौन देगा योगी आदित्यनाथ को चुनौती? जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वां साल चल रहा है। हाल ही के इतिहास को देखा जाए तो फिर कभी भी विपक्ष किसी भी राज्य में इतना कमजोर नहीं देखा है जैसा उत्तर प्रदेश में है, जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जनता के बीच कोई लहर पैदा नहीं कर सके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन, जबकि बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया था। क्या प्रियंका चुनौती देगी योगी आदित्यनाथ को? जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में प्रियंका गांधी ने राज्य में प्रवासी मजदूरों, कानून व्यवस्था और खराब शासन का मुद्दा उठाया है, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के संगठनात्मक कामों में सक्रिय रूप से जुड़ रही है, राज्य में वो ज्यादातर वक्त गायब रहती है। एसपी और बीएसपी का प्लान क्या है? इसके अलावा साल 2020 में समाजवादी पार्टी भी गायब रही है, जबकि बीएसपी का रूप बीजेपी के खिलाफ बेहद नरम रहा है। हालांकि अखिलेश यादव एक्शन में दिख रहे हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में सरकार को घेरने की कोशिश की है, उन्होंने कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया है और अखिलेश यादव कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिल रहे हैं। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सत्र भी शुरू किया है, जहां हाल ही में चित्रकूट में आयोजित एक ऐसे शिविर में अखिलेश यादव ने खुद हिस्सा लिया था। क्या एसपी को मिलेगा फायदा? कांग्रेस के चुनौती एक संगठन बनाने की है जो अपने नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लोकप्रिय को भुना सके। पार्टी जो राज्य में 30 साल से अधिक समय से सत्ता से बाहर रही है, उनकी हालत ब्लॉक स्तर पर कोई संगठनात्मक समितियां नहीं थी। 8000 से अधिक न्यायिक पंचायतों पर संगठन दूर का सपना था। पिछले एक साल में कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप अब राज्य में 80 से अधिक ब्लॉकों में पार्टी समितियों का गठन हुआ है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि उनके पास 15000 से अधिक न्यायिक पंचायतों में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा और संख्या केवल बढ़ रही है। कितना तैयार है प्रियंका का प्लान? संगठनात्मक बदलाव के बाद बड़े नेताओं का कहना है कि प्रियंका अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रियंका का चुनावी अभियान शुरू हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, AIMIM और आप जैसी छोटी पार्टियां भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अपनी जाति और धर्म आधारित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी के फायर ब्रांड और देश के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में योगी का जादू एक बार फिर से चलेगा, या फिर अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी हस्तियां? इसी के साथ AIMIM के नेता असुविदीन ओवैसी टक्कर दे पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी
दिल्ली का जादू उत्तर प्रदेश में दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको एक एक जिले की सभी विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रयागराज की। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को सभी 12 की 12 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। खाता प्रयागराज से ही खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का बाकी की पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3, सपा को 1, बसपा को 0, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अमेठी की। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, सपा 1 पर, बसपा 1 पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की हमने 21 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 17 सीटें, वहीं सपा को 2 और बसपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओरिया की। ओरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर 5 पर भाजपा, 1 पर सपा, बसपा यहाँ पर 0 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। आजमगढ़ की, आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 7 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की। 6 में से यहाँ पर 4 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 0 और अनेक पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। 34 सीटों पर भाजपा, सपा यहाँ पर 5 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 3 और कांग्रेस खाते में 2 सीट जा सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बागपत की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बागपत की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2, सपा को 1 सीट मिल सकती है। वही बात कर लेते हैं बराइच की। बराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर 4 पर भाजपा, 1 पर सपा, बसपा यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बलिया की। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 2 पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, 1 पर सपा, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बांदा की। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2, सपा को 1, बसपा को 1 सीट मिल सकती है। बाराबंकी की। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा यहां पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 4 पर भाजपा, 3 पर सपा, बसपा यहां पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बस्ती की। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भदोही की। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमने 92 सीटों की बात कर ली है। 62 सीटों पर भाजपा, सपा यहां पर 17 सीटों पर, बसपा यहां पर 7 सीटों पर, कांग्रेस यहां पर 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिजनौर की। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 4 पर भाजपा, सपा यहां पर 2 सीटों पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 100 सीटों की बात कर ली है। 100 में से यहां पर भाजपा को 65 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है, सपा को यहां पर 19 सीटें, बसपा को 8, कांग्रेस खाते में 8 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर भाजपा, 2 पर सपा, बसपा यहां पर 0 पर। जी हां दोस्तों बात कर लेते हैं चंदौली की। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है तो सपा यहां पर 1 सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट की यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 भाजपा के खाते में, 1 सपा के खाते में जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं देवरिया की। देवरिया की यहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 सीट पर, बसपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 120 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 79 सीटों पर भाजपा, 24 सीटों पर सपा, बसपा यहां पर 9 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 8 सीटें वो भी जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं एटा की। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर भाजपा, 1 पर सपा जीत हासिल कर सकती है। बात करते हैं इटावा की। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा यहां पर 0 पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 4 पर भाजपा जीत हासिल कर सकती, 1 पर सपा जीत हासिल कर सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 2,
दो सीट, सपा को एक सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 135 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 90 सीटों पर भाजपा, सपा यहाँ पर 28 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 9 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 8 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2, सपा को 2, कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं की जा रही है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3, बसपा को 1, सपा को 1, कांग्रेस खाते में 1, अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 154 सीटों की बात कर ली है, 98 सीटों पर यहाँ पर भाजपा यानी 100 के पार जाने में आ रही है भाजपा, सपा यहाँ पर 33 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 11 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है तो बसपा यहाँ पर 0 पर, सपा यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। पीलीभीत की, पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 2 सीटों पर यानी समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 2 सीटों पर, 1 पर बसपा जीत हासिल कर सकती है। हापुड़ की, हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 3 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरदोई की। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 4 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 2 पर, बसपा यहाँ पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। बात करते हैं हाथरस की। 3 विधानसभा सीटों की, 3 में से 2 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 सीट पर अपनी जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 190 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहाँ पर 119 सीटें, सपा को यहाँ पर 42 सीटें, बसपा को यहाँ पर 14 सीटें, कांग्रेस खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। जालौन की, जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 5 पर भाजपा, 2 पर सपा यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 202 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 125 सीटों पर भाजपा, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 45 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 15 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। झांसी की, झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, 1 पर सपा और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। बात करते हैं कानपुर देहात की। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा यानी बीजेपी और 2 सीटों पर एसपी अपनी जीत पक्की कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कासगंज की। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, एसपी यहां पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। बात करते हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहां पर बीजेपी को 1, एसपी को 1, बसपा को यानी बीएसपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं खेरी की। खेरी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 3 पर भाजपा, 2 पर सपा, बसपा यहां पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 2 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 227 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहां पर 137 सीटें, सपा को यहां पर 53 सीटें, बसपा को यहां पर 17 सीटें, कांग्रेस खाते में 19 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 4, सपा को 2, कांग्रेस खाते में 0, बीएसपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं ललितपुर की। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी जीत हासिल कर सकती है। लखनऊ की, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से भाजपा को यहां पर 4, समाजवादी पार्टी को यहां पर 3 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 9 में से 5 पर भाजपा, सपा यहां पर 2 सीटों पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। अलीगढ़ की, अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 261 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहां पर 154 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर 62 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को खाते में यहां पर 21 सीटें, कांग्रेस खाते में 22 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3, सपा को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फतेहपुर की। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहां पर भाजपा को 4, सपा को 1, बसपा को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों
दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, सपा यहाँ पर 1 सीट, बसपा यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 8 पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है, सपा यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। मथुरा, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 2 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 1 पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मऊ की। मऊ की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, सपा यहाँ पर 1 पर, बसपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरठ की। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की हमने 302 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 181 सीटों पर भाजपा, सपा यहां पर 70 सीटों पर, बसपा यहां पर 26 सीटों पर, कांग्रेस खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की। जी हां दोस्तों, महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, सपा यहां पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 307 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहां पर 184 सीटें, समाजवादी पार्टी को 71 सीटें, बसपा को यहां पर यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां पर 26 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे के ऊपर 24 सीटें आ सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं महोबा की। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर भाजपा, 1 पर सपा जीत हासिल कर सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, 1 पर सपा, 1 पर बसपा जीत हासिल कर सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, एसपी यहां पर 1 सीट पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 2 पर भाजपा को जीत हासिल हो सकती है, सपा को 1, बसपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 4, सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की। जी हां दोस्तों, रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3, सपा को 1, बसपा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं रामपुर की। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर भाजपा, सपा 1 पर, बसपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर 4 पर भाजपा, सपा यहां पर 2 पर, बसपा 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं संभल की। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर भाजपा, सपा 1 पर, बसपा 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। संत कबीर सिंह नगर की बात की जाए तो यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की 355 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहां पर 211 सीटें और सपा को यहां पर 83 सीटें, बसपा को यहां पर 31 सीटें, कांग्रेस खाते में 27 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 4, सपा को 1, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भाजपा को 1, सपा को 1, बसपा को 1 सीट मिल सकती है। श्रावस्ती की, श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर भाजपा और 1 पर सपा जीत हासिल कर सकता है। सिद्धार्थ नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3 सीटें, सपा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की हमने 371 सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहां पर 220 सीटें, सपा को यहां पर 27 सीटें, बसपा को यहां पर 33 सीटें, कांग्रेस खाते में 28 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सीतापुर की। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर भाजपा, सपा यहां पर 2 पर, बसपा यहां पर 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 2 सीटें, सपा को 1, बसपा को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 2 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। उन्नाव की, उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर भाजपा, सपा यहां पर 1 पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस खाते में 1 सीट जा सकती है। वाराणसी की बात की जाए तो यहां पर 8 की 8 सीटों पर भाजपा जीत हासिल कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की हमने 404 विधानसभा सीटों
सीटों की यानी सभी विधानसभा सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 240 सीटें, सपा यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 93 सीटें, बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 37 सीटें, कांग्रेस खाते में 31 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा को इससे भी ज्यादा सीटें मिल सकती है, 240 सीटों में से भी ज्यादा सीट मिल सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।